सुना, केवल सुना। तो इसीलिए जैसी कृपा धुंधकारी पर हुई वैसी सब पर नहीं हुई। अदृढ़म चहतम ज्ञानम प्रमादे नहतम श्रुतम। आलस्य से प्रमाद से सुनी हुई कथा, उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा आपको। फल तो मिलेगा, क्योंकि गोपियों ने भागवत में कहा कि श्रवण मंगलम, केवल सुनने से भी फल मिलता है, लेकिन पूरा पूरा फल नहीं मिलेगा। यदि पूर्ण फल चाहते हो तो श्रवण के साथ साथ कथा पर मनन चिंतन भी हम जरूर करें कि हम क्या सुन रहे हैं, बात को समझें भी, ध्यान पूर्वक हम कथा को सुने। प्रेम से कहो श्री राधे, कथा में जितना देर बैठो एकदम एकाग्र होकर, चित्त को और तरफ से हटाकर केवल प्रभु के चरणों में लगाकर कथा सुनो, फिर अलौकिक आनंद कथा में आएगा। लेकिन क्या करें, लोग तो कहते हैं कि महाराज आनंद तो पीछे आता है, नींद पहले आती है। प्रेम से कहो श्री राधे, आनंद पीछे आता है और आलस्य प्रमाद पहले आता है, क्या करें? अरे इसको ही तो जीतना है। कई लोग तो कथा में बैठते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दूसरी दुनिया आप समझ गए ना, कौन सी दुनिया? आंखें बंद होती हैं और समाधि लग जाती है। जब जयकारा लगता है तब समाधि टूटती है, नींद खुलती है। फिर देखो, इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, ये तो हमारे प्रभु ने ही थोड़ा नींद को आशीर्वाद दे दिया था। एक बार ना नींद भगवान के पास गई निद्रा देवी, और भगवान से जाकर थोड़ा झगड़ा करने लगी। भगवान को जाकर निवेदन किया कि प्रभु आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, बहुत बुरा किया। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमने कैसे तुम्हारा बुरा किया? तो नींद ने, निद्रा देवी ने भगवान को कहा कि प्रभु आपने मेरा एक बहुत बड़ा ग्राहक मेरे से छीन लिया। बोले कैसे? बोले आपने कुंभकर्ण को क्यों मरवाया जो 6 महीने सोता था? इतना बड़ा मेरा ग्राहक जो 6 महीने सोता था आपने मेरे से छीन लिया प्रभु, अब मैं बताओ कहां जाऊं? भगवान बोले कि देखो निद्रा देवी, हमसे झगड़ा तो करो मत, और कहां जाऊं की बात है तो देखो जहां जहां मेरी कथा होती है ना वहीं चली जाया करो, बहुत मिल जाएंगे कुंभकर्ण। प्रेम से कहो श्री राधे, यहां कथा में बहुत सारे कुंभकर्ण मिलेंगे, किसी पर भी बैठ जाना, कहीं भी कृपा कर देना। लेकिन बंधुओं, और होंगे वो श्रोता जो सोते होंगे, लेकिन मुझे तो विश्वास है कि मेरे वाके बिहारी की इस महफिल में मेरे प्रभु किसी को सोने नहीं देते, वो तो जगा के रखते हैं सबको। वो और जगह होंगी जहां श्रोता सोते होंगे, इस महफिल में तो मेरे ठाकुर जी जगा देते हैं, मेरे बाकी बिहारी उठा देते हैं सबको, यहां सोने का क्या कम। तो कहने का अभिप्राय कि कथा जब जब सुनी जाए हम पूर्ण ध्यान पूर्वक कथा को सुने। तो अब भगवान के पार्षदों ने ये बात कही, गोकर्ण जी बोले कि ठीक है महाराज, यदि ऐसी बात है तो अभी हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, आप हमारे विमान को वापस ले जाइए। पार्षद उस विमान को वापस ले गए, हम गोकर्ण जी नहीं गए। और श्रावणी मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः, श्रावण का महीना आया, फिर से श्री गोकर्ण जी ने अपने गांव में भागवत की दोबारा कथा कराई है, और अब की बार उस कथा में सारे गांव के लोगों को बुलाया है, सबको बुलाकर बड़े प्रेम से बड़े दिव्य भाव से कथा सुनाई है गोकर्ण जी ने। और केवल कोरी कथा नहीं हुई, दिन भर तो कथा सुनाते थे, शाम को विशेष अर्थ बताते थे कथा का, और रात को सबसे कीर्तन करवाते थे गोकर्ण जी। यानी किसी को संसार की बातें करने का टाइम ही नहीं दिया गोकर्ण जी ने, दिन भर कथा, शाम को भी फिर चर्चा और रात में भी कीर्तन। 7 दिन तक पूरा भागवतमय वातावरण सारे गांव में हो गया, और 7 दिन के बाद ऐसी कृपा हुई कि जब कथा का विश्राम हुआ तो अब 1-2 विमान नहीं आए, अब तो वहां असंख्य विमान लेकर साक्षात वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।
साक्षात वृंदावन विहारी प्रकट हो गए। असंख्य विमान लेकर भगवान आ गए हैं और जितने भी गोकर्ण जी के गांव के लोग थे भगवान ने सबको विमानों पर बिठा दिया। महात्म्य लिखा हुआ है कि गोकर्ण जी के गांव में एक छोटी सी चींटी भी बाकी नहीं बची है। देखो कथा की महिमा। सबको विमानों पर बिठा दिया है और विमान को लेकर प्रभु जब जाने लगे, चलने से पूर्व गोकर्ण जी की ओर भगवान ने देखा। भगवान ने सोचा कि जिस गोकर्ण के कारण आज ये सारा गांव पवित्र हो गया, सारा गांव ही मुक्त हो गया, मैंने सबको मुक्ति दे दी, सब मेरे धाम जा रहे हैं, लेकिन अब मैं गोकर्ण को क्या दूं जिसके कारण ये सारा गांव मुक्त हुआ है, ऐसे इस गोकर्ण को मैं क्या दूं। भगवान के मन में विचार आया, यदि इसको भी केवल मुक्ति दी तो वो तो इसके लिए बहुत छोटी है और भक्ति मैं दे नहीं सकता, भक्ति पहले से ही इसके पास है, तो अब मैं इसको क्या दूं। जब भगवान के पास कुछ देने को ही नहीं बचा तो मेरे ठाकुर जी दौड़ पड़े और दौड़कर गोकर्ण जी को छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। याद रखना बंधुओं, जो भगवान से कुछ नहीं लेते हैं भगवान उसको अपने आप को ही दे देते हैं। अभी हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, कुछ ना कुछ लेने जाते हैं भगवान से, लेकिन भक्त भगवान से लेने नहीं जाते, भक्त तो भगवान को ही लेने जाते हैं, वो भगवान को ही चाहते हैं बस। अरे उसको चाहकर तो देखो वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, भगवान तो दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, दिन रात ही दे रहे हैं, क्या कमी छोड़ी उसने, सब कुछ तो दिया है उसने, आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, क्या कमी रखी उसने। ये अनमोल है शरीर तुम्हारा, करोड़ों रुपया खर्च करके भी ये शरीर नहीं मिल सकता, ऐसा अनमोल शरीर उसने दे दिया कृपा करके, फिर भी उससे मांगते रहते हैं हम, क्या कुछ नहीं दिया। अरे जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात भी नहीं, जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात भी नहीं, ये तो उनकी कृपा है जो वो दिन रात दे रहे हैं, हमारे अंदर तो कुछ ऐसा है भी नहीं, हम इस लायक भी नहीं है जो वो हमको कुछ दे, फिर भी वो कृपा कर रहा है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज को आध्यात्म रामायण में ये बात कही, जब जानकी जी की खबर लेकर हनुमान जी आए थे भगवान राम के पास, तो भगवान राम हनुमान जी को देखकर एकदम मूक हो गए, चुप हो गए और विचार करने लगे कि मैं हनुमान को क्या दूं, आज इसने जानकी जी का संदेश लाकर मुझे सुनाया है, मैं यदि संसार की कोई वस्तु इसको दूंगा तो ये लेगा नहीं, मैं क्या दूं इसको। जब कुछ भी नहीं सूझा भगवान को तो भगवान ने कहा कि इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुत इत्यालिंग समाकृष्य गाढ़ं वानरपुंगवम्। भगवान हनुमान जी को बोले कि भैया हनुमान, आज तूने मुझे अपनी भक्ति से खरीद लिया है, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है तुझे देने के लिए, बस जो कुछ बाकी बचा है वो मैं तुझे दे रहा हूं, ऐसा कहकर अपना आलिंगन हनुमान जी को दिया है, छाती से लगा लिया है प्रभु ने। वो ही भगवान का आलिंगन पा सकता है जो निष्काम होगा, जिसके अंदर संसार की कामनाएं नहीं होंगी, जो कुछ नहीं मांगता उसको प्रभु आलिंगन प्रदान करते हैं। आज श्री गोकर्ण जी महाराज को गले से लगा लिया भगवान ने और विमान पर लेकर प्रभु जब चलने लगे, तो देखो और जितने भी लोग थे ना गांव के, वो सब तो विमान में बैठकर गए हैं, लेकिन गोकर्ण जी विमान में बैठकर नहीं गए हैं, बाकी सब विमान में बैठकर गए, लेकिन गोकर्ण जी कैसे गए हैं। बोले विमान में बैठे हैं भगवान और भगवान की गोद में बैठे हैं गोकर्ण, और गोद में बैठकर उनके धाम गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये है भजन की, निष्काम भक्ति की महिमा। वही प्रभु की गोद में बैठता है जो निष्काम होता है। आज भगवान ने सारे गांव को ही पवित्र कर दिया है, सबको मुक्ति दे दी मेरे प्रभु ने। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो गोकर्ण जी का प्रसंग है, इस गोकर्ण जी के प्रसंग का पाठ आज भी चित्रकूट में सांडिल्य मुनि रोज किया करते हैं, और पितरों को पवित्र करने वाली ये गोकर्ण जी की कथा है, पितरों को तारने वाली ये कथा है।
इस कथा से हमारे पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। आगे फिर बंधुओं, एक अध्याय में भागवत श्रवण की विधि बताई है, किस विधि से बैठकर हमको कथा सुननी चाहिए। लेकिन आप लोग तो वृंदावन में बैठे हो, यहाँ मैं कौन सी विधि आपको सुनाऊं? यहाँ तो बस एक ही विधि है, इस विधि का पालन जरूर करना। आप यदि वृंदावन में आए हो तो ये काम जरूर करना, बिल्कुल करना। सबसे पहले तो आओ, नहाओ, पाओ, खाओ, गाओ और डूब जाओ। कैसे? पहले तो वृंदावन आओ और आने के बाद यमुना नहाओ, यमुना नहाने के बाद बांके बिहारी का दर्शन पाओ, दर्शन पाने के बाद संतों का प्रसाद खाओ और प्रसाद खाने के बाद कथा रूपी रस में डूब जाओ। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वृंदावन में आए हो तो ये काम जरूर करो, यही सबसे बड़ा नियम है। प्रेम से कहो श्री राधे, कथा रूपी रस में डूब जाओ, बस ये सबसे बड़ा नियम है। सनत कुमार सुंदर भागवत की कथा उस आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में सुनाते हैं। उस कथा का जब विश्राम हुआ बंधुओं, नारद जी महाराज गदगद हो गए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों ही उठकर नाचने लगे। भक्ति भी प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य भी वहां स्वस्थ हो गए हैं। और नारद जी ने सनत कुमारों के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि धन्योस्म्यनुग्रहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्व पाप हरो हरि। नारद जी सनत कुमारों को कहते हैं कि महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी जो आपने ये भागवत की कथा सुनाई। और भागवत को सुनने के बाद नारद जी ने यहाँ ऐसा नहीं कहा कि इस कथा को सुनकर मुझे बहुत खुशी मिल गई, या कथा को सुनकर मुझे पैसा मिल गया, रुपया मिल गया, या मेरा बहुत भला हो गया, कुछ ऐसा नहीं कहा। केवल एक शब्द कहते हैं नारद जी कि आपने जो मुझे कथा सुनाई है, इस कथा को सुनकर मुझे भगवान मिल गए हैं। अद्यमे भगवान लब्धः, महाराज आपकी इस कथा से मुझे भगवान मिल गए हैं। इस प्रकार से निवेदन किया नारद जी ने। वहां आनंद नाम के उस तट पर स्वयं सुखदेव जी महाराज भी भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए वहां पधारे थे। तत्रायेव षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमाः कथावसाने निजलाभ पूर्णः प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः। प्रेम से भागवत के ही श्लोकों का पाठ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज भी आनंद नाम के तट पर आ गए थे और बड़ा दिव्य भाव से वहां कीर्तन हो रहा था। जब कीर्तन हुआ तो प्रहलाद जी भी आ गए, उद्धव जी भी आ गए, अर्जुन भी आ गए वहां पर। ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ कि उस कीर्तन में इंद्र को भी स्वर्ग से आना पड़ा। प्रहलादस्ताल धारी तरल गतितया चौद्धवः कांस्य धारी वीणाधारी स्वरर्षिः स्वरकुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ वहां, जिस कीर्तन में प्रहलाद जी सुंदर ताली बजा रहे थे, उद्धव जी झांझ बजा रहे थे, इंद्र आकर मृदंग बजा रहे थे, अर्जुन राग अलाप रहे थे वहां। और तो और सबसे विशेष बात, बोले उस कीर्तन में श्री सुखदेव जी नाच रहे थे, जो परमहंस हैं, वो भी उस कीर्तन में तन्मय होकर नृत्य कर रहे थे, सब भगवान को बुला रहे थे वहां। तो प्रभु कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ, साक्षात मेरे प्रभु प्रकट हो गए थे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि जब हम प्रभु के गुण गाते हैं तो भगवान को तो आना ही पड़ता है भैया, भगवान तो आते ही हैं, तो हम भी थोड़ा उसको पुकारें, क्योंकि वो बिना पुकारे कभी नहीं आता है। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को मन से बुला के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे।
प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को मन से बुला के तो दे, तो ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, दोनों हाथ से ताली बजाकर पुकारिए, ताली बजाते हुए जय हो जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। किस किस को प्रभु मिले हैं ये भी हम थोड़ा सुने, किस किस के लिए आए हैं। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, ओ पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। वो धन्ना छोटा सा बालक अपने गुरुदेव के द्वारा एक पत्थर मिला था केवल। गुरुदेव ने कहा कि ले यही तेरे भगवान हैं, और धन्ना ने वास्तव में उस पत्थर को प्रभु माना। तो आप जानते हो मेरे प्रभु इतना रीझ गए धन्ना की भक्ति पर, उसकी श्रद्धा पर, कि पत्थर से निकलकर मेरे ठाकुर रोज धन्ना के बैल चराने वन में जाते थे, उसका काम किया करते थे, केवल पत्थर को प्रभु माना। ओ पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, ओ पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, ओ पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, ओ पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, केवट ने धो धो चरण धूल को, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को मन से बुला के तो दे, जरा मोहन को मन से
गाइए प्रेम से, तो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी ताली बजाते हुए हरि बोल हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आए, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आए, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, 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 उतरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, तरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, उतरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, लिखा जिन पे रघुवर का नाम, ओ तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, नैया किनारे से क्यों ना लगे, अरे नाम उनका तू दिल में लिखा के तो दे, नाम उनका तू दिल में लिखा के तो दे, नाम उनका तू दिल में लिखा के तो दे, नाम उनका तू दिल में, तो क्या होगा, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए गाइए, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को मन से बुला के तो दे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, ओ वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, ओ वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली, लेकिन गया उनके आगे तू झोली फैला के तो दे, उनके आगे तू झोली फैला के तो दे, हे प्रभु जैसे मीरा को मिले, जैसे धन्ना को मिले, कभी हमें भी तो मिल जाओ, उनके आगे तू झोली फैला के तो दे, उनके आगे तू झोली फैला, तो क्या होगा, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले
जरा तारों से तारे मिला के तो दे, तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को मन से बुला के तो दे, जरा मोहन को मन से बुला के तो दे, तो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले, ऐसे नहीं। अंत में दोनों हाथ उठाकर मस्ती से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, शनि बिहारी जी महाराज की, हरि बोल। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों जरा मोहन को मन से बुला के तो दे, मोहन को मन से, तो क्या होगा? ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। आप लोग तो जानते हो हमारे ये जो बांके बिहारी हैं, सने बिहारी हैं, इनको तो अंदर से भागने की आदत है। इनको मौका मिलता है और ये अंदर से भाग जाते हैं। कई भक्तों के साथ भाग चुके हैं ये। तो कहो प्रभु, कभी वो दिन हमारे जीवन में भी आ जाए जो कभी अंदर से निकलकर बांके बिहारी हमारे लिए भी बाहर आ जाओ। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, गाइए। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को मन से बुला के तो दे, मोहन को मन से, हरि बोल। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। थोड़ा तारों से तार मिलाकर तो हम देखें पहले, फिर देखो मेरे बांके बिहारी कैसे खिंचे आते हैं। वो तो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई बुलाए तो सही मुझे। कोई बुलाता ही नहीं, कोई बुलाए तो मैं तो दौड़ के आऊंगा। तैयार बैठे हैं प्रभु, हम उसको बुलाने जाते ही नहीं हैं, हम तो उससे मांगने जाते हैं बस। कभी बुलाते नहीं कि प्रभु आओ हमारे साथ चलो थोड़ा। वो तो इंतजार कर रहे हैं कौन मुझे लेकर जाएगा यहां से। तो जो उसका नाम गाता है, जो पुकारता है उसको, उसके लिए तो मेरे प्रभु को आना ही पड़ता है। तो यहां पर बड़ा सुंदर महात्मा का विश्राम हुआ, भगवान को सबने दर्शन, भगवान ने सबको दर्शन दिया, सबको आशीर्वाद भी प्रभु का मिला। और छह अध्यायों में ये सुंदर जो महात्म था, जो पद्म पुराण से लिया गया, यहाँ पर व्यास जी विश्राम दे रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा मंगलाचरण करते हुए कथा का फिर शुभारंभ हो रहा है। तीन श्लोकों में मंगलाचरण हुआ है। वेद व्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो
यत्रत्र शर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहते हुए बड़ा सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं। प्रारंभ में सत्य का ध्यान कराया गया है भागवत के, उस परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं। वो परम सत्य कैसा है? बोले जन्माद्यस्य यदः यदः अस्य विश्वस्य जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तम धीमहि। उसका ध्यान कर रहे हैं जिनके द्वारा संसार बनाया भी जाता है, चलाया भी जाता है और मिटाया भी जाता है। जो इन तीनों के मूल कारण हैं उनका हम ध्यान कर रहे हैं, जो बनाते भी हैं, चलाते भी हैं, मिटाते भी हैं। ये तीनों कार्य मेरे प्रभु ही कर रहे हैं, भगवान ही करने वाले हैं। जन्माद्यस्य यतः, संसार में न तो कोई अपने बल पर आता है, न अपने बल पर कोई रहता है और न अपने बल पर कोई जाता है। ये तीनों काम भगवान के हाथ में है, वो ही लाते हैं तुमको, वो ही रखते भी हैं, वो ही लेकर भी जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि महाराज ठीक है, लाते भगवान होंगे, ले जाते भी शायद होंगे, लेकिन जीते तो हम अपने बल पर हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, ऐसा अभिमान लोग करते हैं। परंतु नहीं नहीं, कोई अपने बल पर नहीं जी रहा, सब भगवान के बल पर जी रहे हैं, उसकी कृपा से ही सब जी रहे हैं। वो जब तक तुमको देख रहा है तुम जीवित हो, यदि वो न चाहे तो तुमको एक अन्न का दाना भी नहीं मिल सकता। क्योंकि एक एक रात में ही बड़े बड़े करोड़पतियों को सड़क पर आते हुए देखा गया है, रोटी रोटी के लिए मोहताज, एक एक रात में। तुम उसके बल पर ही जी रहे हो, वो ही जीवित रखे हुए है सबको, कोई अपने बल पर नहीं जी रहा। एक बार श्री नारद जी महाराज भगवान को प्रश्न करते हैं, बड़े अच्छा प्रश्न है, सुनने योग्य है, भगवान की दया, भगवान कैसे सब पर कृपा करते हैं। नारद जी ने एक बार पूछा कि प्रभु आप संसार में क्या सबको चलाते हो? भगवान बोले कि नारद मैं तो सबको चलाने वाला हूं। अच्छा प्रभु, तो क्या जो नास्तिक है, जो आपको नहीं मानता, क्या आप उसको भी रोटी देते हो? भगवान बोले बिल्कुल देता हूं, और उसको तो ज्यादा रोटी देता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे, उसको तो ज्यादा देता हूं। भगवान कहते क्यों? जैसे कि एक माँ होती है, यदि बेटा कोई बिगड़ जाए थोड़ा, तो माँ बिगड़े हुए बेटे का ज्यादा ख्याल रखती है कि ये कैसे भी सुधर जाए। उसको बार बार खिलौने भी देती है, उसको प्रलोभन भी देती है, कैसे भी ये सुधर जाए, उसका ज्यादा ख्याल रखती है। जो सुधरा हुआ है उस पर इतना ध्यान नहीं है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये तो ठीक है। बिगड़े हुए पर ज्यादा ख्याल होता है माँ का। ऐसे ही जो भगवान को नहीं मानते, जो पापी हैं, जो भोगी हैं, उन पर भी मेरे प्रभु कृपा करते हैं, कोई बात नहीं, कभी तो सुधरेंगे। लेकिन नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी बोले प्रभु आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसीलिए तो दुनिया में तुम्हारे भक्त कम हैं। भगवान आप ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए ये अपनी सीट मुझे दे दो, थोड़ी देर के लिए इस कुर्सी पर मुझे बिठा दो। प्रभु बड़ी इच्छा है, क्योंकि आजकल भी तो कुर्सी के पीछे ही क्या कुछ नहीं हो रहा। प्रेम से कहो श्री राधे, और फिर भगवान की कुर्सी तो क्या कहना, यहां इंसान की कुर्सी के लिए मारामारी हो रही है और वो तो भगवान की कुर्सी है। प्रभु थोड़ी देर के लिए मुझे बिठा दो, मेरे ऊपर कमान छोड़ दो। भगवान ने कहा चलो नारद भी तो भक्त है, एक बार इसकी बात मान लेते हैं। नारद जी को बिठा दिया मेरे प्रभु ने। अब नारद जी ने उसी दिन से बड़ा गजब का काम कर दिया। नारद जी ने उस दिन से केवल भक्तों को ही रोटी दी और नास्तिकों को भूखा मारने लगे। नारद जी बोले जो भजन नहीं करेगा उसको रोटी नहीं दूंगा, जो भक्त है उसको ही खाना मिलेगा, उसको ही पानी मिलेगा, वो ही रहेगा।
अब तो हड़कंप मच गया, नास्तिक हाहाकार करने लगे, तड़पने लगे, रोने लगे, चीख पुकार मच गई। आप लोग जानते हो ये चीख पुकार भगवान के कान में जब गई, मेरे प्रभु नारद से हाथ जोड़कर बोले कि नारद भैया तू मेरी दुनिया को ठीक से नहीं संभाल पाएगा, यदि तू बैठा रहा तो सब चौपट कर देगा, चाहे दुष्ट ही क्यों ना हो, लेकिन मैं किसी की पुकार नहीं सुन सकता, मैं तो कृपा ही करना जानता हूँ, तू भैया मेरी गद्दी से हट जा, मैं तो नास्तिकों पर भी कृपा करूंगा, कोई बात नहीं, मुझे न माने तो क्या हुआ, ये प्रसंग है पुराणों में। भगवान ने नारद जी को हटा दिया, नहीं नहीं नारद ये गद्दी तुमसे नहीं संभलेगी, क्योंकि चाहे कोई भी हो है तो मेरा ही अंश ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब परमात्मा का ही तो अंश है, तो वो ही लाने वाले हैं, वो ही चलाने वाले हैं, वो ही ले जाने वाले हैं प्रभु, जन्माद्यस्य यतः। और फिर वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा प्रतीत और अप्रतीत होते हैं, ये भी थोड़ा समझने की बात है। अन्वय का अर्थ होता है तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वयः, यानी जहां तक जो कुछ दिखाई दे रहा है सब भगवान का ही रूप है, जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं सब कुछ भगवान है, ये अन्वय है। और जहां भगवान नहीं है वहां कुछ है ही नहीं, जहां तक जो कुछ है सब मेरे प्रभु ही हैं, और जहां कुछ नहीं है वहां, जहां भगवान नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है, ये बात चतुश्लोकी भागवत में भी आई है। भगवान ने जो अपने मुख से ब्रह्मा जी को चार श्लोक प्रदान किए उसमें यही तो बात कही थी कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। यही कह रहे हैं प्रभु ब्रह्मा को कि ब्रह्मा जी जो कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो सब मैं ही हूं, जितना भी ये सृष्टि दिखाई दे रही है ये मेरा ही रूप है, और जब ये नहीं थी तब भी केवल मैं ही था, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी केवल मैं ही रहूंगा। लगता है भगवान की ये बात मशहूर शायर गालिब ने भी सुनी होगी, प्रेम से कहो श्रीनाथ, तभी तो गालिब ने कहा न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने न मैं होता तो क्या होता, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने न मैं होता तो क्या होता, हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। जीव तो बस कहता ही रहता है ऐसा होता वैसा होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन करने वाले तो प्रभु बैठे हैं, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो जो चाहता है वो ही होता है, हर जगह वो बैठा हुआ है, कण कण में वो समाया हुआ है। वेदव्यास जी कहते हैं कि जिन्होंने केवल संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को करा दिया, मोहयन्ति यत् सूरयः, जिन वेदों में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं ऐसे वेद केवल संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दिए प्रभु ने, जिनकी माया के द्वारा हमको ये झूठा संसार भी सत्य प्रतीत हो रहा है तो ये झूठा लेकिन फिर भी सच्चा लगता है। जो अपनी शरण में आने वाले के उस कुहक को उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं ऐसे सत्य भगवान का हम सब ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। बोलो सत्य भगवान की जय। ये बहुत संक्षिप्त व्याख्या मैंने आपको सुनाई है, नहीं तो ये जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण का इस पर तो कई घंटों क्या कई दिनों तक बोला जा सकता है। इसमें भगवान के दो प्रकार के स्वरूप बताए, तमेव स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्षयति, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, दो प्रकार के लक्षण इस प्रथम श्लोक में बताए प्रभु के। ये बहुत अद्वितीय श्लोक है, हमारे भागवत के बहुत बड़े टीकाकार श्री वंशीधर जी महाराज जिन्होंने भागवत की टीका लिखी है,
भावार्थ दीपिका प्रकाश, और उस टीका में भागवत के इस पहले श्लोक के 108 अर्थ किए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, 108 तरह की व्याख्या केवल एक श्लोक की, तो सोचो कैसा अद्भुत ये श्लोक होगा। राम परक, कृष्ण परक, रुद्राक्ष परक, शिव परक, ब्रह्मा परक, सबसे जोड़ते हुए इस श्लोक की व्याख्या की है, क्योंकि सत्य तो सब कुछ है। शिव भी सत्य है, राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है। सत्य कहकर यहां व्यास जी ने मानो सबको प्रणाम किया है। बड़ा अद्भुत ये श्लोक है। और मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में भागवत का अनुबंध चतुष्टय वर्णित है कि धर्म प्रौज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणं शतं वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्यते त्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। द्वितीय श्लोक में मंगलाचरण के बहुत सुंदर अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। अनुबंध चतुष्टय में चार बातें होती हैं, अधिकारी च संबंध विशेष प्रयोजनम। जिस ग्रंथ को हम सुनने बैठे हैं उसका अधिकारी कौन है हमको मालूम होना चाहिए, किसको सुनने का अधिकार है। दूसरा संबंध, जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं उसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है। विषय, जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं उसमें क्या विषय रखा गया है, कौन सी बात हमको सुनाई जाएगी। और प्रयोजनम, जिस ग्रंथ को हम सुनने बैठे हैं उस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। ये चार बातें हमको मालूम होनी चाहिए। इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। किसी भी ग्रंथ को सुनो, विचार पूर्वक इन चार बातों को अच्छी तरह समझ लो। भागवत का अनुबंध चतुष्टय इसमें बताया है। सबसे पहला, अधिकारी कौन है भागवत को सुनने का, तो कहा कि निर्मत सराणाम शताम। भागवत को सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर मत्सरता नहीं है, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। मत्सरता कहते हैं जब दूसरा कोई बहुत ऊपर उठने लगता है, हमको कोई तकलीफ नहीं दे रहा लेकिन ऊपर उठ रहा है, बस यही तकलीफ हो रही है। प्रेम से कहो श्री राधे, चाहे वो बड़ा हो रहा है, हमसे कुछ नहीं कह रहा है, हमको कोई उत्पीड़न नहीं दे रहा, हम पर कोई कष्ट नहीं कर रहा, फिर भी हम दुखी हैं कि वो बड़ा क्यों हो रहा है। यही है मत्सरता। हृत्तापो मत्सर स्मृतः, दूसरे की उन्नति को देखकर जो मन में ईर्ष्या होती है वही मत्सरता है। लेकिन बंधुओं, भगवान का भजन करो मत करो, लेकिन कम से कम इंसान बनकर तो जियो तुम। मत करो भगवान का भजन। तभी तो किसी ने कहा कि रबदा नाम लवो न लवो, रबदा नाम लवो न लवो, पर पराई सूरत नु वेख के राजी ते रहो। प्रेम से कहो श्री राधे, अरे एक दूसरे को देखकर खुश तो रहो यार, मत लो उसका नाम। हम तो एक दूसरे को देखकर ही राजी नहीं है आज, सब एक दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं। वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा हो जाऊं। याद रखना, दुनिया में कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी नकल करे। आज तो नकल करने वाले बहुत है ना, हर बात की नकल हो रही है आज। लेकिन कोई कितना भी नकल करे, दुनिया में कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। भगवान ने सबको अलग सूरत दी है, अलग सीरत दी है, सबको अलग बनाकर वो भेज रहा है परमात्मा। कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता, और जो दूसरे के जैसा बनना चाहता है वही कभी सुखी नहीं रह सकता। सुखी वही है जो अपने होने में राजी है। प्रेम से कहो श्री राधे, हम दुखी ही इसलिए हैं कि हम दूसरे के जैसा होना चाहते हैं। अरे जब दूसरा तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता तो तुम उसके जैसा कैसे बन सकते हो, सोचो तो। अपने होने में राजी रहो बस।
जैसे तुम हो अपना पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने के लिए मना नहीं है, खूब पुरुषार्थ करो, जितना उन्नति कर सकते हो करो खूब, लेकिन कंपटीशन नहीं कि दूसरा ऐसा है तो हम भी ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि जहां कंपटीशन होगा वहां पर ईर्ष्या आएगी, जहां ईर्ष्या आएगी वहां तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय, भागवत को सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जो सबकी खुशी चाहता है, जो सबका सुख चाहता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी तो सीधे बात पर ही चोट करते हैं, कभी चूकते नहीं है कबीरदास, बिल्कुल खरी खरी बोलते हैं कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जियो। दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी देखकर क्यों ललचाते हो, जो भगवान ने दिया है प्रसाद समझकर प्रभु का पाओ, वो चाहेगा तो 56 भोग भी एक दिन खिला देगा तुमको। तुम तो वफादार रहो, वफादार बनो। तो वही भागवत का अधिकारी है जो मत्सरता से रहित है। भागवत का विषय क्या है ये भी हम थोड़ा समझें कि धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शतम्। भागवत के अंदर उस निष्कपट धर्म की चर्चा हुई है, यही भागवत का विषय है। जो धर्म कपट से रहित है उस धर्म की चर्चा भागवत में आई है। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि धर्म का कपट क्या है, अरे क्या धर्म में भी कपट होता है? प्रेम से कहो श्री राधे। लोग कहते हैं महाराज धर्म तो धर्म है, अब धर्म का क्या कपट होगा? बोले धर्म का भी एक कपट होता है। तो कहा कि फलेच्छा यत्र जायेत सस्या धर्म सकैतव, निष्कामो यो भवेत धर्म सशुद्ध परिकीर्तितः। बोले जिस धर्म के पीछे हमारी कामनाएं हमारी इच्छाएं छुपी हुई हैं, बोले वही धर्म कपट पूर्ण धर्म है। अब भागवत की कथा तो हो रही है लेकिन क्यों? बोले महाराज बहू को बेटा नहीं है, तो सोचा भागवत की कथा करा लें, शायद कृपा कर दें प्रभु। मंदिर में तो जा रहे हैं माथा टेकने लेकिन भगवान से मिलने नहीं। बोले महाराज थोड़े दिन से जरा धंधा मंदा हो गया है, क्योंकि वैसे भी रिसेशन चल रहा है, सब चोट खाए बैठे, धंधा मंदा हो रहा है, तो इसीलिए अब कथा में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। ये है धर्म का कपट, क्योंकि धर्म का, चाहे धर्म कोई भी हो, धर्म सब एक है, धर्म कोई भी हो, धर्म का लक्ष्य केवल भगवान है। धर्म का लक्ष्य कभी संसार के भोग नहीं हो सकते। धर्म का फल बहू के बेटा नहीं है, धर्म का फल व्यापार का बढ़ना नहीं है, धर्म का फल घर में पैसा आना नहीं है, वो आए तो अच्छी बात है, मालिक की कृपा है। धर्म का वास्तविक फल तो केवल भगवान की प्राप्ति है। यदि उसमें हमने भोगों को जोड़ दिया तो वही धर्म का कपट हो जाता है, फिर वो धर्म शुद्ध धर्म नहीं कहलाएगा। और भागवत तो प्रौज्जित कैतव धर्म का निरूपण कर रही है। प्रकर्षेण उज्जितम त्यक्तम फलाभिसंधि लक्षणम कपटम यस्मिन सह, जिसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, ऐसा पूर्ण रूप से शुद्ध धर्म भागवत में प्रस्तुत किया गया है। यहां तक कि मैंने कल भी ये बात कही थी, प्रा उपसर्ग लगाकर भागवत में तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं की। प्रा उपसर्गेन मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः, भागवत में तो उससे मोक्ष भी नहीं मांगा गया, कोई कामना ही नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत इच्छा हमारे अंदर उठे, भगवान को देखना हम चाहें, भगवान से मिलना चाहें। यदि ऐसी इच्छा वास्तव में मन में है तो फिर भागवत में आना तुम्हारा सफल है। संसार के भोगों के लिए कथा में आए हो, संसार का सुख चाहने के लिए कथा में आए हो, तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता।
कि कथा सुनकर तुम्हारी दुकान चल जाएगी या तुम्हारे घर में खुशियां आ जाएंगी, मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूं इस बात का। मेरी कथा से तुम्हारा कोई व्यापार नहीं बढ़ेगा, बढ़े तो वो तुम्हारा अपना प्रारब्ध है। यहां कथा से कोई तुमको सुख नहीं मिलेगा, सांसारिक सुख तो यहां है ही नहीं बिल्कुल। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन इतना गारंटी मैं लेता हूं कि तुमको बांकी बिहारी जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, यदि तुम वास्तव में उनको पाने के लिए आए हो तो। अब मन में यदि वही संसार की इच्छाएं हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में यदि पाने आए हो तो मुझे भरोसा है अपने प्रभु पर, वो मिलेंगे तुमको जरूर। यही शुद्ध धर्म है, यही भागवत में रखा गया है। आज व्यक्ति अशांत क्यों है? अशांति का कारण ही ये है। भगवान को कहते तो हैं आई वॉन्ट पीस, प्रभु हमको शांति दो, लेकिन सबसे ज्यादा अशांति तुम ही फैला रहे हो दुनिया में। जो ज्यादा शांति शांति की बातें करते हैं ना, सबसे ज्यादा अशांति वही फैलाते हैं। बिल्कुल आप देखना, जो बहुत शांति की बातें करते हैं वही सबसे ज्यादा अशांत दुनिया को कर रहे हैं आज। जो कहते हैं हमको शांति दो, आई वॉन्ट पीस, भगवान कहते हैं पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन आई को हटा दो बिकॉज इट्स ईगो, और वॉन्ट को हटा दो बिकॉज इट्स डिजायर। जब आई हट गया, वॉन्ट हट गया, तो बचा क्या? बस शांति ही शांति है जीवन में। हा? अभी हम कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मैं शांति चाहता हूं, बस मैं को हटा दो और चाहता हूं को हटा दो तो शांति ही बचेगी। भैया प्रेम से कहो श्री राधे, जितना कामनाएं बढ़ेंगी, जितना इच्छाएं बढ़ेंगी, तुम अशांत होते जाओगे, शांति तुम्हारे जीवन से निकल जाएगी। तो आज यहां पर वेदव्यास जी यही बात हमको समझाना चाह रहे हैं कि भागवत निष्कपट धर्म की चर्चा करती है, जिसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है। और ये श्रीमद् भागवत कैसा अद्भुत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परीरीश्वरः, महामुनि कृते, ये किसी और ने नहीं बनाया, महामुनि श्री नारायण तेन प्रथमं संक्षेपतः कृते इति महामुनि कृते, भागवत को किसी और ने नहीं बनाया, भगवान ने ही बनाया है, भगवान के द्वारा ही रचित है। और इस श्रीमद् भागवत की महिमा तो देखो, आप लोग घर पर बैठे हो और घर बैठे बैठे यदि मन में इच्छा उठी कि आज तो हम कथा में जाएंगे, ये वेदव्यास जी कह रहे हैं, अभी कथा सुनने नहीं गए, शुश्रूषु भी, केवल घर पर बैठे बैठे इच्छा हो रही है कि आज हम कथा सुनने जाएंगे। विश्वास मानना, वेदव्यास जी के शब्द हैं कि घर पर बैठे हुए भी यदि कथा में जाने की इच्छा ही मन में उठ गई तो उसी समय बांके बिहारी दिल में आकर बैठ जाते हैं और फिर वही कथा में लेकर आते हैं। वो जब तक दिल में नहीं आएंगे तब तक तुम भी कथा में नहीं आ सकते हो। प्रेम से कहो श्री राधे, जब वो दिल में आते हैं तो वही तो कथा में लाते हैं, वही लाने वाले हैं। मैं तो ये बात हमेशा अंत में कहा करता हूं कथा की, कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वही कथा में आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। किसी की मजाल नहीं है, जो कोई आ सके वो खुद हृदय में आते हैं और जीव को कथा में लाते हैं। ऐसी अद्भुत इस कथा की महिमा है। तृतीय श्लोक में भी मंगलाचरण के वेदव्यास जी कह रहे हैं कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। कहते हैं कि निगम रूपी वृक्ष पर, निगम का अर्थ होता है वेद, नितराम गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टय इति निगमो वेदः, उस निगम रूपी वेद रूपी वृक्ष पर लगा हुआ एक फल है भागवत, और पका हुआ फल है, गलितम फलम, कच्चा फल नहीं है भागवत,
ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत सुंदर महिमा इस श्लोक में भागवत की है। ये कोई कच्चा फल नहीं है, ये एकदम पका हुआ फल है भागवत। और पहचान कैसे हो कि पका है या कच्चा है? बोले पहचान हो चुकी है। कैसे? बोले क्योंकि जैसे संसार का कोई फल हो और उस फल पर आकर यदि कोई तोता चोंच मार दे तो कहावत है ना कि ये फल तो जरूर मीठा होगा क्योंकि तोते की चोंच लगी हुई है। तो बोले इसकी पहचान भी हो चुकी है क्योंकि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये तो सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। यदि ये मीठा नहीं होता फल तो सुखदेव जी कभी इसको नहीं चखते, ये उस रस से भरा है, इसीलिए सुखदेव जी ने अपने मुख से इसको गाया है। शुक्तुंड संस्पृष्ट फल श्रीमद् भागवत है। और फल है तो लोग कहते हैं महाराज फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, रस भी होता है, लेकिन हम छिलके को तो फेंक देते हैं, गुठली को भी फेंक देते हैं, रस को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन क्या भागवत के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या इसमें भी गुठली है? क्या इसमें भी छिलका है? बोले नहीं नहीं, वेदव्यास जी कहते हैं कि भैया इस भागवत रूपी फल में न तो छिलका है, न गुठली है, न गूदा है, ये भागवत रूपी फल तो केवल रस से ही भरा हुआ है, इसीलिए इसको रसमालयम कहा। ये तो रस का घर है श्रीमद् भागवत। यहां तो हर प्रसंग में रस बरस रहा है। भागवत का ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसमें रस न हो। भागवत के हर प्रसंग का सीधा संबंध भगवान से है। ऐसी कोई कथा नहीं है आप जिसके लिए कह दो कि हमको ये कथा नहीं सुननी। हर कथा सुनने योग्य है, हर कथा श्रवणीय है भागवत की, हर प्रसंग सुनने योग्य है। रस से परिपूर्ण ये ग्रंथ है, इसीलिए हे रसिकों, हे भावुकों, इस भागवत रूपी रस को मुह अह पिबत, पीते रहो पीते रहो। इस रस से कभी तृप्त मत होना, इस कथा से कभी तृप्त मत होना। बंधुओं, कथा की महिमा तो बड़ी अद्भुत है, भगवान की कथा तो विलक्षण है। जीवन अधूरा है बिना कथा के। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर दृष्टांत दिया करते हैं कभी कभी, कहा करते हैं जैसे पान वाले के पास तुम जाओ और वहां पर उससे यदि पान लगवाओ, उसने बड़ा सुंदर पान लगा कर दे दिया। अब हमने पान तो खा लिया लेकिन पान खाने के बाद भी होठों पर लालिमा नहीं आई। पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर ढंग से दृष्टांत दिया करते, होठ नहीं रचे, पान खा लिया। पूछा कि भैया पान तुमने बनाया, होठों पर लालिमा नहीं आई, क्या बात है? तो उसने कहा कि हुजूर माफ करो, शायद लगता है बाकी सब कुछ तो डाल दिया पर कत्था लगाना भूल गया, इसीलिए लालिमा नहीं आई है। तो बस याद रखना, जैसे पान में यदि कत्था ना हो तो पान तो खा लोगे पर लालिमा नहीं आएगी होठों पर, ऐसे ही जीवन में यदि कथा ना हो तो जी तो लोगे परंतु जीवन में भी लालिमा नहीं आ सकती है। लालिमा तो कथा से ही आएगी, ये कथा की महिमा है। प्रेम से कहो श्री राधे, तो इस रस को निरंतर पीते रहो पीते रहो। आगे कहते हैं वेदव्यास जी महाराज कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। वहीं पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में उन शौनकादि ऋषियों ने मिलकर श्री सूत जी महाराज के चरणों में बहुत सुंदर कुछ प्रश्न किए। कुछ प्रश्न हम लोग श्रवण करें, इन्हीं प्रश्नों से भागवत संपूर्ण सूत जी ने सुनाई है, माध्यम यही प्रश्न बने हैं। पहला प्रश्न था कि महाराज जीव का कल्याण कैसे हो, दूसरा प्रश्न था कि शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार का कारण क्या है, और क्या भगवान के अवतारों की कोई गिनती है, अब तक कितने अवतार हुए। तो सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा,
लेकिन पहले मैं भी थोड़ा मंगलाचरण करूं, क्योंकि यहां भागवत का दूसरा मंगलाचरण हुआ। पहला तो अभी आपने सुना था, वेदव्यास जी ने 3 श्लोकों में किया था। अब ये भागवत का दूसरा मंगलाचरण हो रहा है जो सूत जी महाराज कर रहे हैं, और तीसरा मंगलाचरण सुखदेव जी करेंगे जब परीक्षित को कथा सुनाने आएंगे। तो यहां पर सूत जी मंगलाचरण करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी के चरणों में। कियं प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया सूत जी ने, नर नारायण को प्रणाम किया, वेद व्यास को प्रणाम किया, सरस्वती को प्रणाम किया, और फिर यहां प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। सबसे पहले भागवत के प्रारंभ में बंधुओं 24 अवतारों की चर्चा आई है। पूछा था ना भगवान के अब तक कितने अवतार हुए, तो यहां 24 अवतारों की चर्चा आई है कि स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थित चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडितम। बताया कि देखो ऋषियों, भगवान ने पहला जो अवतार लिया ये ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन 4 के रूप से भगवान ने ये पहला अवतार लिया। दूसरा अवतार है देवर्षि नारद के रूप में भगवान आए। तीसरा अवतार 12 बन के प्रभु प्रकट हुए। चौथा अवतार नर और नारायण का बताया है। 5वां अवतार श्री कपिल भगवान, ये सब आप आगे सुनोगे भी, कपिल भगवान का 5वां अवतार। 6ठा श्री दत्तात्रेय जी महाराज। 7वां अवतार रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ रूप से प्रकट हुए प्रभु। 8ष्टमे मेरु देव्याम। 8वां अवतार मेरु देवी के गर्भ से श्री ऋषभदेव जी के रूप में हुआ है। 9वं पार्थवम वपुः, 9वां अवतार प्रथु रूप से भगवान का हुआ। 10वां अवतार मत्स्य अवतार प्रभु का, मत्स्य बनकर आए हैं। 11वां कमठ, 12वां धनवंतरी, 13वां है मोहिनी अवतार, और 14वां अवतार खम्भ से भगवान नरसिंह बन के प्रकट हो गए थे। 15वां अवतार वामन बन के प्रभु आए। 16वां अवतार है परशुराम अवतार। 17वां अवतार श्री वेदव्यास जी के रूप में भगवान का हुआ। 18वां अवतार भगवान श्री राम के रूप में हुआ है। 19वां अवतार श्री बलराम जी महाराज का बताया, और 20वां अवतार मेरे प्रभु बालकृष्ण का यहाँ बताया है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये मुख्य अवतार। फिर 21वां और 22वां हंस और हयग्रीव अवतार बताया। 23वां अवतार बुद्ध अवतार बताया है, और जो 24वां अवतार प्रभु का है वो अभी हुआ नहीं है, इस कलिकाल के अंतिम चरण में वो अवतार प्रभु लेंगे, जिसको कहते हैं कल की अवतार। बोलो कल की भगवान की जय। कलिकाल के अंत में प्रभु प्रकट होंगे कल की बन करके, लेकिन अभी कलिकाल में बहुत समय बाकी है, ये मत सोचो कि कल ही प्रकट होंगे, कल की अवतार में भी बहुत समय है, इस कलिकाल की आयु बहुत लंबी है। 432,000 वर्ष कलिकाल की आयु बताई है, और जिसमें से अभी केवल लगभग 5,500 साल निकले हैं बस, अभी इतना लंबा कलिकाल बचा है। और आचार्यों का, संतों का, महापुरुषों का मानना है जब कलिकाल के अंतिम 800 वर्ष बचेंगे तब भगवान कल्कि बन के आएंगे, अभी नहीं, बहुत समय है अभी। जब अधर्म बिल्कुल अपने चरम पर होगा तो पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, फिर से सतयुग का उदय करने के लिए प्रभु कल्कि बन के अवतार लेंगे। तो यहां पर ये अवतारों की चर्चा हुई है। आगे भागवत के संबंध में ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना। आप थोड़ा कृपा करके बताइए भागवत को कौन से युग में लिखा गया, कौन से स्थान पर लिखा गया, किस कारण से लिखा गया और किसकी प्रेरणा से लिखा गया है, ये पूछा। तो सूत जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते
तृतीय युग पर ये जातः पराशराद योगी वासव्यां कलया हरे। देखो ऋषियों, द्वापर के अंत में कलिकाल के प्रारंभ में उस समय पराशर जी के यहां सत्यवती के गर्भ से भगवान श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ, जिनका वास्तविक नाम है कृष्णद्वैपायन, जिनको वेदव्यास भी हम कहते हैं क्योंकि उन्होंने वेदों को लिखा। वेदव्यास जी वास्तविकता में भगवान के ही अवतार हैं, भगवान का ही अंश हैं। वेदों के चार विभाग किए, ऋग यजुर साम अथर्व, 108 उपनिषद लिख दिए, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिख दिया और अनेक पुराण लिख दिए, लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी को संतोष नहीं हुआ था। तो भगवान की ही प्रेरणा से श्री नारद जी महाराज वेदव्यास जी के पास आए थे और बहुत सुंदर यहाँ अपने पूर्व जन्म की चर्चा श्री नारद जी महाराज ने की, अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम। अपने पूर्व जन्म के बारे में श्री नारद जी ने व्यास जी को बताया कि देखो व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं वेदवादी नामक ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था, मेरी माँ दासी थी, मेरी माँ घर घर जाकर लोगों के झूठे बर्तन मांजा करती थी, इतना हमारे जीवन में गरीबी थी, मैं दासी का पुत्र था। लेकिन व्यास जी, एक बार हमारे गांव में कुछ संत महापुरुष आ गए थे, कुछ संत महात्मा आए और उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो दुजई सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषा। नारद जी कहते हैं कि मैंने उन संतों की सेवा शुश्रूषा की और उन संतों की उच्छिष्ट यानी झूठन, मैंने उन संतों का प्रसाद पाया और उस प्रसाद का ही ऐसा चमत्कार हो गया जो मैं आज नारद बन के आपके सामने खड़ा हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, संत प्रसाद की महिमा बड़ी अद्भुत है बंधु। आप लोग तो जानते ही हो कि भगवान का होता है केवल प्रसाद, लेकिन संतों का तो प्रसाद नहीं, महाप्रसाद होता है। उस महाप्रसाद में निष्ठा जरूर होनी चाहिए, वो महाप्रसाद है। शास्त्रों में दूसरे का झूठा खाना निषेध बताया, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दूसरे का झूठा कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिसका झूठा हम खाते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। बिल्कुल पक्की बात है, तुम जिसका झूठा खाओगे उसके गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। तो झूठा निषेध है, लेकिन संतों का उच्छिष्ट वो महाप्रसाद तो मांग कर खाने की बात लिखी है। मांग कर खाओ संतों का प्रसाद, क्योंकि जिनके मुख से प्रभु का नाम निकलता है, जो भगवान के स्मरण में लीन रहते हैं, यदि ऐसे महापुरुषों का वो महाप्रसाद हम खाएंगे तो उनके जीवन में जो सद्गुण हैं, शायद वो सद्गुण हमारे जीवन में भी थोड़े आ जाएंगे। तो महाप्रसाद के लिए पूरी छूट दी है, महाप्रसाद पाओ। वैसे सबका झूठा मत खाओ, उससे दोष भी लग सकता है। तो यहां पर नारद जी भी कहते हैं कि मैंने संतों की महाप्रसादी पाई थी, संतों ने मुझे एक मंत्र भी दिया था जिसको कहते हैं वासुदेव गायत्री। बड़ा सुंदर ये मंत्र है कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बड़ा सुंदर ये मंत्र श्री नारद जी को प्राप्त हुआ और नारद जी कहते हैं कि मैंने व्यास जी इस मंत्र का खूब जप किया, मैंने दिन रात ये मंत्र जपा, लेकिन मंत्र को जपने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ मुझे, केवल आकाशवाणी सुनाई दी मुझे। वो आकाशवाणी मुझसे बोली कि देख बेटा, हंतास्मन जन्मनि भवान मामाम दृष्टुमिहारहति अविपक्को कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। देख बेटा,
तूने मेरा भजन तो बहुत किया लेकिन अभी तुझे दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन तू ये मत सोच कि दर्शन होगा ही नहीं बेटा, अभी तू भजन करता रह। जब ये राग और द्वेष का पर्दा हट जाएगा, मिट जाएगा, तो अगले जन्म में तुझे मेरा साक्षात दर्शन होगा। ऐसा कहकर भगवान की वाणी शांत हो गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। व्यास जी को कहते हैं कि व्यास जी, भगवान की वाणी सुनकर तो मैं और खूब डटकर भजन करने लगा। आज यदि किसी को कह दो कि इस जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे, तो वो कहेगा महाराज फिर भजन भी अगले जन्म में ही होगा। प्रेम से कहो श्री राधे, जब अभी मिलेंगे ही नहीं तो फिर काय को माथा फोड़े, काय को दर दर भटकें, काय को भजन करें। अरे अभी तो मौज लेने दो, अगले जन्म में ही करेंगे फिर भजन। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर सब्र नहीं है ना, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में धैर्य परम आवश्यक है। बिना धैर्य के कभी प्रभु नहीं मिलेंगे। धैर्य होना चाहिए, धैर्य धारण करो, कभी ना कभी तो वो आएंगे, कृपा करेंगे। अरे खुदा मंजूर करता है सदा जो दिल से होती है। तुम दिल से पुकारो तो सही, पुकार कहां पाते। खुदा मंजूर करता है सदा जो दिल से होती है, पर मुश्किल ये है कि बात ये मुश्किल से होती है। दिल से पुकार नहीं पाते सब उसको, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। वो सुनता तो है पर दिल से तो पुकारो उसको, ये बात बहुत मुश्किल से होती है। तो भगवान ने नारद जी को यही कहा कि बेटा अभी तू भजन कर, मेरा तुझे अगले जन्म में मेरा दर्शन जरूर होगा, मैं जरूर कृपा करूंगा। नारद जी महाराज बोले कि व्यास जी, हमने भी भजन करना बंद नहीं किया और डटकर और खूब मन लगाकर मैं प्रभु का भजन करने लगा। काल के प्रभाव से मेरा शरीर छूटा भजन करते हुए, तो देखो भगवान की कृपा कि अब तो भगवान ने मुझे ब्रह्मा का बेटा नारद बना दिया है। और नारद जी बड़ी सुंदर बात यहां कह रहे हैं कि देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। देखो व्यास जी, आप मेरे हाथ में जो वीणा देख रहे हो ना, ये वीणा मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं दी है, ये वीणा तो मुझे मेरे ठाकुर ने दी है, मेरे प्रभु ने दी है। देवदत्ताम इमाम वीणाम, ये वीणा मुझे भगवान ने दी है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो नारद जी को वीणा मिलने की भी एक बड़ी कहानी है। कैसे नारद जी को वीणा मिली? ऐसे ही नहीं मिल गई नारद जी को वीणा, इसके पीछे बहुत परिश्रम है। पुराणों में कथा आती है, एक बार सभा लगी हुई थी, भगवान विराजमान थे, नारायण साथ में लक्ष्मी जी भी बैठी थी प्रभु के, बड़े बड़े देवता भी भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए थे, बहुत सुंदर सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े ऋषि भी थे। और उस सभा में गंधर्वों में जो सबसे उच्च कोटि के गायक हैं, हा हा और हु हु, प्रेम से कहो श्री राधे, ये दो गंधर्वों के नाम हैं, हा हा हु हु, जो स्वर्ग में गाया करते हैं, बहुत सुंदर गायन करते हैं। ये दोनों गंधर्व उस सभा में गा रहे थे, बड़ी शोभा हो रही थी, सुंदर संगीत चल रहा था। अब उस सभा में नारद जी भी बैठे थे, भगवान ने थोड़ा लक्ष्मी जी की ओर इशारा किया, क्योंकि प्रभु अपने भक्त का यश चाहते हैं, तपा तपा कर सोना बना देते हैं मेरे प्रभु। लक्ष्मी जी को संकेत किया, लक्ष्मी जी नारद जी को बोली कि नारद तुम यहां क्यों बैठे हो? कहा कि माँ मैं संगीत सुन रहा हूं, सभा लगी हुई है, कितना सुंदर ये गा रहे हैं। बोले नारद तुम संगीत के बारे में कुछ जानते हो? नारद जी ने कहा कि मैं जानता तो नहीं। बोले जब तुम जानते नहीं तो फिर तुम क्या सुन रहे हो यहाँ? तुमको कोई अधिकार नहीं इस सभा में बैठने का, तुम निकल जाओ यहां से, और किसी सभा लगे तो तुम आना, लेकिन संगीत की सभा में तुम्हारा क्या काम? जब तुम कुछ समझते ही नहीं क्या राग है, क्या ताल है, क्या सुर है, कौन सी तान भरी जा रही है, तो फिर तुम्हारा काम क्या यहां? जाओ। अब भरी सभा में नारद जी को वो बात लग गई कि मैं संगीत नहीं जानता हूं, ये बात लग गई थोड़ा।
अपने मन को मार कर वहां से उठे। हालांकि आनंद आ रहा था नारद जी को पूरा, लेकिन फिर भी उठ गए, प्रणाम करके वहां से चले गए। मन में यही सोच रहे थे कि देखो तो सही, अरे हम समझते नहीं हैं, संगीत जानते नहीं हैं, तो क्या सुन भी नहीं सकते? बताओ, बीच सभा से हमको उठा दिया। बात लग गई नारद जी को। अब तो प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया कि मैं भी ऐसा संगीत का शास्त्री, संगीत का ज्ञानी बन के दिखाऊंगा, मेरे बराबर कोई नहीं होगा। संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली नारद जी ने। और फिर नारद जी महाराज ने संगीत सीखना शुरू किया। और एक दो वर्ष नहीं, नारद जी ने हजारों वर्ष संगीत सीखा, पुराणों में वर्णन है ऐसा। शेष भगवान के पास पाताल में जाकर शेष भगवान से 1,000 वर्ष तक संगीत सीखा नारद जी ने। कैलाश पर जाकर भगवान शिव से 1,000 वर्ष तक संगीत सीखा। बड़े बड़े गंधर्वों से जा जाकर नारद जी ने विनती कर करके संगीत सीखा। बहुत बड़े संगीतज्ञ श्री नारद जी महाराज बन गए हैं। लेकिन अब मन में थोड़ा एक ईर्ष्या तो पहले भी थी, अब अभिमान आ गया मन में, क्योंकि ईर्ष्या जब आती है अभिमान को भी साथ लेकर आती है। पहले तो ईर्ष्या थी कि उन गंधर्वों का संगीत हमको सुनने नहीं दिया गया, मैं भी संगीत सीख कर दिखाऊंगा। अब जब सीख गए संगीत, जब पारंगत हो गए, तो अभिमान आ गया कि अब थोड़ा उन गंधर्वों की खबर लूं जो उस दिन गा रहे थे बैठकर, अब वो मेरे सामने क्या गाएंगे। ऐसा सुनकर बड़ा ताल ठोकते हुए नारद जी जा रहे थे, पूरा संगीत सीख चुके। भगवान ने फिर लीला दिखाई, एक सुंदर नगर नारद जी ने देखा और सोचा कि ये कौन सा नगर है, चलकर थोड़ा जाएं देखें। उस नगर को देखने के लिए अंदर आए तो देखा कि नगर बड़ा सुंदर है, लेकिन उस नगर के लोग कोई तो अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। चाहे कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, सब लंगड़े लूले हैं। नारद जी ने कहा कि भैया, ये इतना सुंदर नगर है और तुम सब लंगड़े लूले, तुम कौन हो? तो वो सब बोले कि महाराज, हम सब राग और रागनिया हैं, हम सब राग रागनिया हैं। जितने भी स्त्री पुरुष आपको दिख रहे हैं, हम सब अलग अलग राग हैं, अलग अलग रागनिया हैं। बोले, फिर तुम ये लंगड़े लूले क्यों हो? बोले, नारद जी क्या बताएं, आजकल एक ब्रह्मर्षि है, उसने बहुत संगीत सीख लिया है और अपने आप को बहुत बड़ा पंडित कहता है, लेकिन असमय में राग गाता है, सुबह के समय शाम का राग गाता है, शाम के समय सुबह का राग गाता है, तो उसके इस विपरीत गायन से हमारे अंग भंग हो गए हैं। बोले, वो कौन गायक है? बोले, नारद जी वो आप ही हो, प्रेम से कहो श्री राधे। इतना सुनते ही वो नारद जी की तो आंखें खुल गई एकदम। अरे, वास्तव में मैंने संगीत तो बहुत सीखा, लेकिन मैंने ये नहीं सीखा कि कौन सा राग कब गाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी कमी रह गई मेरे अंदर। अब देखते हैं तो वो नगर भी गायब हो गया, वो सब राग रागनियां भी गायब हो गए। नारद जी को बहुत आत्मग्लानी हुई कि वास्तव में मैंने इतना प्रयास कर लिया, फिर भी मैं पूरी तरह संगीत नहीं सीख पाया। मैं अभिमान करने लगा, बैठे बैठे रोने लगे नारद जी। तो उसी समय साक्षात सामने प्रभु प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान बोले कि देखो नारद जी, आप दुखी मत हो, ये सब लीला मैंने आपको थोड़ा ठीक करने के लिए रची थी, क्योंकि आपके अंदर अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा संगीत का शास्त्री बन गया हूँ, संगीताचार्य हो गया हूँ। लेकिन नारद जी, संसार में कोई कितना भी सीखे, चाहे कितना भी प्रयास करे, लेकिन कोई पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण यदि कोई है तो केवल एक मैं ही हूं, प्रेम से कहो श्री राधे। प्रयास कितना भी करो, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। तो नारद जी, आपने प्रयास बहुत किया, अब हमारी इच्छा है कि आप चलकर हमारे वैकुंठ में जो आपने संगीत सीखा है, थोड़ा उसका प्रदर्शन आप करिए। आज मैं बहुत बड़ी सभा को बुलाने जा रहा हूं। अब वैकुंठ में सभा लगी है, बड़े बड़े संगीत शास्त्री सुनने के लिए नारद जी को आए हैं कि आज ब्रह्मर्षि नारद गाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी सभा लगी थी, बड़े बड़े देवता आए थे, भगवान लक्ष्मी और नारायण विराजमान थे, और उस सभा में नारद जी ने जब संगीत गायन किया, उफ़ो, कमाल का संगीत गाया, सब सुनते ही रह गए। भूरी भूरी प्रशंसा नारद जी की हुई है कि कोई इतना सुंदर नहीं गा सकता। यहाँ तक कि भगवान भी इतना रीझे, नारद को पूछा कि बेटा, अब तू मांग तुझे मैं क्या दूँ,
जो चाहे मेरे से ले ले। तो नारद जी महाराज बोले कि प्रभु एक ही कृपा करो, क्योंकि जो संगीतज्ञ होता है उसको तो साजों से प्यार होता है, प्रेम से कहो श्रीनाथ है। अब जो तबला बजाता है उसे तबले से प्यार है, वो भगवान है उसका। चाहे कोई वंशी बजाता हो, बाजा बजाता हो, जो हमारा साज हो वो हमारा भगवान होता है। उसमें साक्षात, क्योंकि स्वर ब्रह्म विभूषताम, स्वर में ब्रह्म बैठा हुआ है। तो अब कलाकार को तो बहुत प्रसन्नता हो यदि उसका मनपसंद साज कोई उसे लाकर भेंट करे, कोई मेटल फ्लूट का सुंदर पैक लाकर अगर दे बंसियों का, तो कितना बंसी बजाने वाला खुश होगा। कोई नया तबला लाकर यदि किसी तबला वादक को भेंट करे तो प्रसन्नता होगी। नारद जी बोले कि प्रभु यदि हमको भी खुश करना है तो बस ये लक्ष्मी जी की वीणा आप कृपा करके मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जो सुना लक्ष्मी जी की वीणा ली और सीधे नारद जी को दे दी। बेटा जा, खूब वीणा बजा, खूब मेरा नाम गा। अब लक्ष्मी जी तो नाराज हो गई। लक्ष्मी जी बोली प्रभु मेरी वीणा और मेरे से पूछा भी नहीं उठाकर आपने नारद को दे दी। तो भगवान बोले लक्ष्मी जी ये तो बड़ी कृपा मानो, जो इसने वीणा ही मांगी इसने तुमको नहीं मांगा। प्रेम से कहो श्री राधे, मैं तो सोच रहा था कहीं तुमको ही ना मांग ले। क्या हुआ जो वीणा दे दी? अरे आपके लिए दूसरी सुंदर बनवा दूंगा, इस वीणा पर मेरे भक्त को गाने दो ना। तो नारद जी को ये वीणा इस प्रकार से मिली, ये कथा आती है शास्त्र में। बहुत परिश्रम किया नारद जी ने तब ये वीणा मिली है। और बंधुओं, ये वीणा केवल नारद जी को ही नहीं मिली, बहुत परिश्रम के बाद ये वीणा हम सबको भी मिली है। ये वीणा क्या है? ये वीणा ही हमारा शरीर है। प्रेम से कहो श्री राधे, कितना कृपा करके उस परमात्मा ने हमको ये वीणा दी है, और जिस वीणा को हम बर्बाद कर रहे हैं, इस वीणा से केवल संसार का ही शब्द गाते रहते हैं, लेकिन ये शरीर रूपी वीणा संसार का गुणगान करने के लिए नहीं मिली भैया, ये वीणा तो केवल भगवान को पुकारने के लिए मिली है। इससे तो जितना हो सके हम भगवान को ही पुकारें, भगवान को ही बुलाएं, क्योंकि हम लोग तो श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं, तो नारद जी अपनी वीणा बजाते हैं तो फिर हम लोग अपनी वीणा क्यों ना बजाएं? प्रेम से कहो श्री राधे, हाँ जब सबकी वीणा बज रही है तो हम भी अपनी वीणा बजाएं ना, थोड़ा सा इस शरीर रूपी वीणा से थोड़ा हम भी प्रभु का गुणगान करें, थोड़ा हम भी प्रभु का नाम गाएं। तो आइए 2 मिनट के लिए मेरे साथ मिलकर बड़े भाव से गाइए के राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। देखो हमारी किशोरी जी के चरण बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, और अब तो चरण दर्शन भी आने वाले हैं ना, तो थोड़ा अभी से ही भगवान के उन युगल सरकार के चरणों का हम ध्यान करें, थोड़ा चरणों का हम चिंतन करें। तो बड़े भाव से गाइए ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना क्या, क्योंकि राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जय हो जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। जय हो जय
हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मेरे मन मतवारे तू राधा नाम तुगारे, ओ मेरे मन मतवारे मन मत वाले तू राधा नाम तुगाले, तेरी पार करेंगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले, ओ मेरे मन मत वाले तू राधा नाम तुगाले, ओ तेरी पार करेंगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले, ओ जपले राधे राधे नाम तेरे पूर्ण होंगे काम, जपले राधे राधे नाम तेरे पूर्ण होंगे काम, ओ जपले राधे राधे नाम तेरे पूर्ण होंगे काम, राधे राधे नाम तेरे पूर्ण होंगे काम, क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना लागे ना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, मुझे और जगत से गाइए प्रेम से, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो जय हो। एक बार कहिए श्री राधे राधे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभानु किशोरी, राधा गोरी गोरी वो है वृषभानु किशोरी, ओ मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभानु किशोरी, मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभानु किशोरी, तोहे राखेंगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी, तोहे राखेंगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी। हमारी किशोरी जी तो इतनी दयालु हैं, चाहे तुम्हारी प्रीत भी थोड़ी हो फिर भी वो चरणों में रख लेंगे, बस एक बार दिल से कह दो कि किशोरी जी हम आपके हैं, हे राधा रानी हम आपके हैं। ओ मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभानु किशोरी, मेरी राधा गोरी गाइए, ओ मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभानु किशोरी, मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभानु किशोरी, ओ तो राखे की शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी, ओ जब तू बोले राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम, बोले राधा तुझे मिल जाए घनश्याम, ओ जब तू बोले राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम, बोले राधा तुझे मिल जाए घनश्याम, क्योंकि बिन राधे के मुरली बाजे ना बाजे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। देखो आप लोग वृंदावन में आए हो ना, तो मेरी इस बात को तो अच्छी तरह सुन लेना, बिना राधा रानी की कृपा के तो वृंदावन कोई आ ही नहीं सकता, वो ही कृपा करती हैं, वो ही तो वृंदावन बुलाती हैं, यहां तो कृष्ण की भी नहीं चलती,
यहाँ कृष्ण की भी नहीं चलती है, आप देख लो नीचे बैठकर ही पैर दबा रहे हैं राधा रानी के। दर्शन हो रहा है ना ठाकुर जी, नीचे चरण दबा रहे हैं राधा रानी के। चलो बाद में देखना, सेवा कुंज की झांकी है ये। ऐसे ही प्रभु सेवा कुंज में आज भी राधा रानी के चरण दबा रहे हैं, जाकर दर्शन करो, बगल में ही है। तो यहाँ की राधा रानी है, कृष्ण की नहीं चलती, वही रानी है, राधा की ही चलती है, वही बुलाने वाली है। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, ओ राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे। और केवल आओगे नहीं, यदि दिल से उनको पुकारा ना तो फिर केवल वृंदावन आओगे नहीं, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। और यदि गए भी तो वृंदावन को दिल में लेकर ही जाओगे फिर, क्योंकि एक बार जो यहाँ आता है वो वृंदावन को भूल ही नहीं पाता। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाइए ओ वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, ओ वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी ओ कण कण मेरा धारानी वृंदावन की महारानी, कण कण मेरा धारानी वृंदावन की महारानी। इन चरणों से दूर मन भागे ना भागे ना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। गाइए श्यामा प्यारे के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारे के चरण प्यारे प्यारे। ये जो किशोरी जी के चरण हैं, ये चरण इतने अद्भुत हैं बंधुओं कि इन चरणों को दबाने के लिए हमारे बांके बिहारी भी तरसते हैं, तड़पते हैं। ऐसे वो राधा रानी के चरण यदि हमको मिल जाएं तो श्याम सुंदर तो वैसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो चरणों में ही तो हैं किशोरी जी के। हाँ, वो भी उनके चरण नहीं छोड़ते। हाँ, यदि उनके चरण मिल गए तो वहीं ठाकुर जी बैठे मिलेंगे। तो इसीलिए गाइए प्रेम से, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, ओ मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, गाइए के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, जय राधे राधे, राधे राधे, 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 जय राधे राधे, वृंदावन में। दो मिनट के लिए मेरे साथ मिलकर प्रेम से किशोरी जी का नाम मन से ही पूरी ब्रज भूमि में घूमते हुए गाइए मस्ती से, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, ओ वंशी बट पे, ओ वंशी बट पे, दान गली में, ओ दान गली में, ओ मान गली में, ओ कुंज गली में, ओ बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी,
स्नेह बिहारी स्नेह बिहारी हमारी प्यारी हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी हम सबकी प्यारी ओ प्यारी प्यारी ओ प्यारी प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 ऐसे नहीं पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से हरि बोल एक बार कहिए श्री राधे जय राधे 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 भागवतामृत रसपान करने के लिए पधारें। समय सबको मालूम ही है, 3 से 7 का समय है। आप लोग समय का ध्यान रखते हुए भागवतामृत रसपान करने के लिए आए। और देखो कोई बिना आरती किए बिना प्रसाद लिए न जाए। इतनी देर आप रुके हो तो 2 मिनट प्रभु की भागवत भगवान की आरती करके प्रसाद लेकर ही सब जाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे एक छवि बलिहारी में जाऊं एक छवि बलिहारी में जाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो बले जाऊं मैं देख युगल छवि बले बले जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे
तेरी आरती गाऊं, गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय, श्री सने बिहारी जी महाराज की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरे ओम जजनेन्द्र जजनमय जनता देवा।